सरकारी रिकॉग्नाइज शोरूम से नहीं खरीदे टोटो तो बेचना पड़ेगा टोटो। रूट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जल्द कराए। शिक्षा का केंद्र KNU बना राजनीतिक का अखाड़ा। VC ने प्रेस वार्ता कर क्या कहा? गवर्नर जिन सेक्रेटरी तार কাছে इच्छा प्रकाश করেছি, আমার রেজিগনেশন খুব কষ্টের সাথে আমি এটা বলেছি। नेचुरल पत्थर से लदा ट्रक पलटा तालाब में, तालाब के सारे मछली की मौत, लोगों को हो रही परेशानी। डेंगू की लार्वा को खत्म करने के लिए आसनसोल नगर निगम अपने क्षेत्र में छोड़ेंगे गप्पी मछली। आज 3,00,000 मछली वितरण किया गया। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं PN घाटी, टिपालजी फैशन हर घर की पसंद, पुद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सुधा उद्योग, श्री जानकी स्टोर, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ब्लेस हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, ट्रेक एंड ट्राई, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, लकी बाबू दुकान ज्वेलर्स। टोटो समस्या के समाधान के लिए मंगलवार की सुबह आसनसोल नगर निगम के उपमेयर अभिजीत घटक के कक्ष में पुलिस प्रशासन, श्रमिक संघ के नेताओं और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। INTTUC के जिलाध्यक्ष अभिजीत घटक ने कहा कि राज्य में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 69 टोटो बिक्री केंद्र है। उन सभी केंद्रों में पुराने टोटो को बेचकर नए टोटो की खरीदारी करें, जिससे जल्द ही RTO से लाइसेंस मिल जाएगा। प्रत्येक टोटो चालक के पास लाइसेंस होना चाहिए और ऑटो की तरह टोटो के भी विशिष्ट रूट निर्धारित किए जाएंगे। तो हम लोग सबको मिलकर एक सिद्धांत लिया है कि ऑटो टोटो जो है, जैसा ऑटो का कुछ रूट किया हुआ है और भी कुछ ऑटो का रूट दिया जाएगा, इसी तरह से टोटो का भी रूट किया जाएगा, जिस रूट्स में ही ये टोटो चलेंगे। और जो शोरूम है जो ये टोटो बेचते हैं, वो भी सरकार का तरफ से एक लिस्ट आया है, तो वही जो शोरूम जो रिकॉग्नाइज्ड है सरकार का तरफ से, उसी का बिका हुआ टोटो को ही अलाउ किया जाएगा। और ये टोटो का भी लाइसेंस, जो चलाएगा उसका लाइसेंस और टोटो का रजिस्ट्रेशन ये भी कराने होगा। और ये सब करने के लिए जो समय लगेगा, तो वो समय हम लोग किए हैं कि 1 महीना का अंदर में इसको करने से ये होगा, तो 1 महीना का समय जो टोटो चलाता है, जो टोटो और ऑटो चलाता है आसनसोल में, उन लोगों को हम ये करेंगे कि ये सब रूट का बात, रूट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, ये तीनों आप लोग करा लीजिए और एक सिस्टम में आसनसोल में आने वाले दिन में टोटो और ऑटो ये चलेगा। हम लोग इससे पहले देखते थे कि कहीं से भी बन के आ जाता था, ठीक है, एक लोकल कोई बनाता था वो भी रास्ता में भेज देता था टोटो। तो ये जो रिकॉग्नाइज्ड टोटो का ये है, जो शोरूम है जहाँ से ये बिका जाएगा, ई रिक्शो जिसको बोलता है, ई रिक्शो आपका जो शोरूम का लिस्ट यहाँ पर है, करीब 69 शोरूम यहाँ पर है जो वेस्ट बंगाल में रिकॉग्नाइज्ड है, उसी शोरूम से और उसी मैन्युफैक्चरर से ये टोटो लेना होगा। यूनियन नेता राजू अहलुवालिया ने कहा कि आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर और पुलिस प्रशासन ने टोटो के रूट पर चर्चा की और वे जल्द ही विशिष्ट रूट तय करेंगे और टोटो चालक का लाइसेंस जल्द बनाया जाएगा। सूचना हुई है और समस्या का समाधान भी हो रहा है, बहुत जल्द यहाँ टोटो का रूट भी हो निर्धारित हो जाएगा। आज बैठक हुई है, उसमें RTO साहब भी थे, परिवहन अधिकारी जो सब थे, हमारे जिला सभापति INTTUC भी थे, ट्रैफिक DCP थे, ट्रैफिक OC थे, सभी लोग थे। सहमति बनी है कि टोटो को भी सिस्टम में लाएगा। देखिए, माँ माटी मनुष्य की सरकार है, हमारे नेतृत्व लोगों को रोजगार देने में विश्वास रखती है और आसनसोल का भवी पुत्र माननीय मौलाई घटक है, वो शुरू से ही बोल दिए थे कि सबको रूट मिलेगा, सबका रोजगार पक्का हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। झारखंड के चक्रधरपुर के पास हावड़ा CSMT मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतरने से एक रेल यात्री की मौत हो गई, जबकि 60 घायल हो गए।
दो दिन पहले इसी रेलखंड पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी। आज यात्री ट्रेन दूसरी लाइन पर आते समय पटरी से उतर वैगन से टकरा गई। यह ट्रेन दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत राजखरसवां और बड़ा बंबू स्टेशन के बीच पटरी से उतर गई। हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन 3:45 बजे पटरी से उतर गई। हावड़ा मुंबई रूट पर इस हादसे के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। घटना के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे का टाटा नगर चक्रधरपुर खंड पूरी तरह से बंद हो गया। हादसे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि कुछ के मार्ग में परिवर्तन किया जा रहा है। इस बारे में हावड़ा से मुंबई जाने वाली यह ट्रेन सोमवार देर रात को अपने निर्धारित समय 11:02 के बजाय भोर के 2:37 में टाटा नगर पहुंची। 2 मिनट रुकने के बाद यह अपने अगले स्टेशन चक्रधरपुर के लिए रवाना हो गई। हालांकि चक्रधरपुर पहुंचने से पहले ही बड़ा बंबू के सामने 4:15 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। डाउनलाइन से आ रही एक मालगाड़ी से मेल एक्सप्रेस की टक्कर से मेल एक्सप्रेस की 18 बोगियां पटरी से उतर गई और मालगाड़ी की कई बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना की गंभीरता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि तेज गति के कारण मेल एक्सप्रेस के कई डब्बे बुरी तरह से पलट गए और एक दूसरे से टकरा गए। शिक्षा का केंद्र किस तरह राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, ये आसनसोल स्थित काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की अवस्था देख स्वतः अंदाजा लगाया जा सकता है। बीते दिन काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के बीसी को टीएमसीपी द्वारा घेराव कर कार्य नहीं करने देने को लेकर आज वीसी ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का परिवेश कार्य करने के लायक नहीं रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई और मौजूदा हालात पर दुख व्यक्त किया। सुने उन्होंने क्या कहा। इच्छा प्रकाश करेछी गवर्नरের যিনি সেক্রেটারি তার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছি আমার রেজিগনেশন খুব কষ্টের সাথে আমি এটা বলেছি। আমি জানি যে আমি রেজিগনেশন দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কী অবস্থা হবে, কিন্তু কালকে আমি এমন ট্রমাটাইজ ছিলাম এইটাই, আমি অস্থির হয়ে গেছি দিদির কাছে একটা বার্তা পাঠানোর জন্য, কিন্তু দিদির সাথে তো আমার সরাসরি যোগাযোগ নেই। আমি দিদির যে সিএম এর যে অফিশিয়াল NIC.in যে মেল আছে সেখানে বারংবার মেল করেছি, কিন্তু দিদি ব্যস্ত থাকেন, সব সময় হয়তো উত্তর দিতে পারেননি। আমি চাইছি আপনাদের মধ্য দিয়ে যে আমাকে SOS পাঠাচ্ছি আমি প্রশাসনের কাছে, যে কারণ প্রশাসনটা তো পুরোপুরি সরকার চালায়, যে 2 মাস ওয়েট করুন, আমি থাকবো না, আমি পাশ থেকে হেল্প করব। যে যোগ্য ভাইস চ্যান্সেলার আসবেন সেই যোগ্য ভাইস চ্যান্সেলার এখানে চালাবেন, আমাকে যেটুকু কাজ করতে দেওয়া হয়েছে আমি সেইটুকু কাজ করে এখানে বেরিয়ে যাব। একদম ভীষণভাবে ভয় পাচ্ছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে ভয় পাচ্ছি, সে ভয়ের কথাও আমি জানিয়েছি প্রশাসনকে, মানে গভর্নরকে। গভর্নর বলেছেন আপনি এই ট্রমা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কাজ করতে হয়তো পারবেন না, সেটা আপনি দেখে নিন, আপনি বাড়ি থেকে কাজ করুন বলেছেন। আমি আজকে এইমাত্র মিটিং সেরে উঠলাম, মানে অনলাইন মিটিং করছি এবং বাড়ি থেকে কাজ করার চেষ্টা করছি। আশা করছি সামনের 2-3 দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার যাবার মতো পরিস্থিতি হবে। আমার ট্রমাটা পার্সোনাল ট্রমা, এটাকে কাটিয়ে আমাকে উঠতেই হবে, এবং যদি আবার সুস্থ পরিবেশ তৈরি হয়, আমার সবচেয়ে বড় জোর হচ্ছে আমার শিক্ষক, আমার অশিক্ষক কর্মচারী, আমার অফিসাররা, তারা কিন্তু সবাই আমার সাথে রয়েছে। কিন্তু কালকে যে বিভীষিকা তৈরি করা হয়েছিল, যে মাসল পাওয়ার দেখানো হয়েছিল, সেই মাসল পাওয়ারের কাছে সবাই, শিক্ষকরা তো ভায়োলেন্স চায় না, তারা আমার সাথে ছিলেন, কিন্তু এই যে সাংঘাতিক একটা অ্যাটিটিউড, এই অ্যাটিটিউডটাকে তারা রুখতে পারেনি। তারাও দেখলাম তাদের চোখ ছলছল করছে আমি যখন বেরিয়ে যাচ্ছি, কি কিছু করার নেই আমার, যে আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে, মানে আমাকে মানে মোটামুটি ঠেলে বার করে দেওয়া হচ্ছে সব জায়গায়। জানিয়েছি আমি সিপিকে চিঠি দিয়েছি, কমিশনার অফ পুলিশকে চিঠি দিয়েছি, লোকাল থানায় জানিয়েছি। কালকে আমার সাথে পুলিশ ছিল, মানে আমার গার্ড ছিলেন এবং লোকাল থানা থেকে পুলিশ ছিল, DIB ছিলেন। আমি সেজন্য পুলিশকে প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই, সেই জন্য হয়তো খুব বেশি ভায়োলেন্ট ওরা সে হতে চেয়েও হয়ে উঠতে পারেনি। দাঁতে দাঁত চেপে দেখছি যে কতদিন পর্যন্ত এটাকে আমি টিকিয়ে রাখতে পারি, মানে বিশ্ববিদ্যালয়টাকে টিকিয়ে রাখতে পারি। 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ এরকম একটা প্রত্যেক দিন আমি দিন গুনছি, যে কালকে আমার যে কাজগুলো সেগুলো আমি বাড়িতে বসে করতে পারবো না, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি যাওয়ার দরকার হয় আমি কী করবো।
ওরা বাড়িতে আমার কাছে ফাইল নিয়ে এসে সই করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি হবে কেন? আমাকে প্রচুর মিটিং করতে হয়, ডিরেক্টলি কাগজ আদান প্রদান করতে হয় বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সাথে, সেটা এত দূরে বসে হয় না। এবং কী ধরনের অসুবিধা হচ্ছে সেটা আমরাই বুঝতে পারছি, কীরকম অসুবিধার মধ্য দিয়ে আমি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু দেখুন, আমরা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে সরে আসিনি, কারণ জানি যে দিদি এটা চান না। প্রশাসন চায়, সরকার চায় বিশ্ববিদ্যালয়টা সরস্বতীর পীঠস্থান। প্রত্যেকটা পদক্ষেপকে এইরকমভাবে রাজনীতির মধ্য দিয়ে। তুমারে ঘর কে ফার্নিচার বহুত আকর্ষক লাগতা, বহুত মহঙ্গা হ্যা। আরে নহি, উতনে মহঙ্গে নহি, রিজনেবল রেট পর হি লিয়ে। আও মে তুমে আপনা দিওয়ান সেট দিখাতি হু। ডিজাইন তো বহুত অ্যাট্রাকটিভ হ্যা, লাগতা হ্যা কোয়ালিটি মে দম নহি হোগা। কোন কহতা হ্যা, ইয়ে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড ক্লাস হ্যা, প্যোর সাগওয়ান কে কোয়ালিটি দার অর টিকাও ভি। তুমে ভি ফার্নিচার লেনা হো তো ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড এক বার জরুর জানা, সাথ হি ওয়াহা ফাইন্যান্স ফ্যাসিলিটি ভি উপলব্ধ হ্যা। সচ মে তব আজ হি আপনা হাবি কো কহুঙ্গি ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড চলে। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, ফার্নিচার লভার্স কি পহলি পসন্দ, জিটি রোড শনি মন্দির কে সামনে, নুরউদ্দিন রোড আসানসোল। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गोराई मंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। जो अप्रूव्ड है वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से और एफिलिएटेड है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। नर्स बनने की इच्छुक युवतियों के लिए दो बेहतरीन कोर्सेज, GNM यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, एंड BSc इन नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्स। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, नियर घागरगुड़ी मंदिर, NH2 आसनसोल। में एकमात्र एक्साइट केयर शोरूम पोद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपको मिलेंगे एक्साइट इन्वर्टर और इन्वर्टर बैटरी, ऑटोमेटिव और मोटरसाइकिल बैटरी, सोलर पैनल और सोलर बैटरी, UPS एंड SMF बैटरी, एक्साइट न्यू ई रिक्शा, पोद्दार बैटरी एंड कंपनी लिमिटेड, 35 GT रोड, दुर्गा मंदिर, उषाग्राम, आसनसोल। मंगलवार को आसनसोल के ओके रोड इलाके में स्थित एक घर में गैस रिसाव के बाद आग लग गई, जिसमें दो महिलाएं और एक पुरुष झुलसकर घायल हो गए। आनन-फानन में उनको आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफा ने बताया कि आज सुबह उनको फ़ोन पर जानकारी मिली कि ओके रोड में एक घर में गैस के रिसाव के बाद आग लग गई। पता चला कि दो महिलाएं और एक पुरुष जो आग बुझाने की कोशिश कर रहा था वह घायल हो गए। उनको आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने सभी को गैस पर काम करते समय ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी। आज सुबह ओके रोड ताज भट्टी स्टोर के पास में सरीन साहब ने जैसे ही मुझको फ़ोन किया, मालूम पड़ा कि दो लेडी गैस का रिसाव से बुरी तरह से जख्मी हो गई। एक का हाथ में 35% से ज़्यादा है और एक का पैर में है, और एक लड़का जो बुझा रहा था फरान, उनका भी हाथ में जख्मी हुआ। तीन आदमी के दो जख्मी है। तो जैसे हम लोग सुने तो सुनते हम लोग एक रहना खातून है और एक यासमीन पत्थर है, तीन आदमी इंजर्ड हैं। तो अभी जाकर रहुल अमीन का अंदर में है, उन्होंने देख रहे हैं और ऐसा है कि खतरे से खाली ऐसे घुड़ाने का कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है, बड़ा हादसा से बता दिए। अवैध नेचुरल पत्थर से लदा एक ट्रक जामुड़िया के तालतोड़ ग्राम में एक तालाब में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस तालाब में मछली पालन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि तालाब की सभी मछलियां मर चुकी है, तालाब की पानी दूषित हो चुका है। बहुत से लोग इस तालाब में स्नान भी करते थे, अब गांव वालों को पानी की
किल्लत का सामना भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना की वजह से उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। कहा कि यहाँ पर तकरीबन 1.5 फुट गहरा एक गड्ढा है जिस वजह से यह हादसा हुआ। फिर भी इसी रास्ते से ही 70-80 टन लोड लेकर ट्रकों का आवागमन होता है जिस वजह से यहाँ हादसों की आशंका बनी रहती है। उन्होंने बताया कि इससे पहले इस मार्ग पर भारी गाड़ियों के चलने से रोकने की कोशिश की गई है लेकिन फिर भी गाड़ियों का परिचालन होता है। उन्होंने कहा कि अगर यह हादसा दिन में हुआ होता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। चुरुलिया के कई जगहों से इस तरह का हार्ड नेचुरल लाया जाता है। ये जगह अनेक दिन धरे गर्त है 1.5 फुट गर्त, प्रचंड लोडर गाड़ी चले, 70-75 टन माल ये रास्ता दिए जावा आसा करे। अनेक बार बोला हुए क्यों को भूकप लाइन स्टेप लाइन जार जन्े आज ये दुर्घटना घटे। ये पुकुरटा चाष करी, हमारे अनेक माछेर क्षति हो समस्त माँ सकाले भेजे गए हमारे भिडियो करा आज हमें चाहब जाते हमारों किस क्षतिपूरण पा जाए। यहाँ नेचारेल हार्ड नेचारेल क्वालिटी ना यहाँ फैक्टरी दिए कि बोलते ना बड़ो बड़ो फैक्टरी जाए कि बोलते यहाँ चूल ना सरकार तो को सिसटेम सरकार तो अगने जित बड़ो ट्रैके आस से बोलते मैं वाला कि 2 नम्बर ना क्या बोला जाए क्योंकि रोड दिए जाए हमारा चाहब जैसे ये रोडे एत लोड गाड़ी ना जाए। आसनसोल में ज्वेलरी कारोबार में एक प्रतिष्ठित नाम लखी बाबू दुकान ज्वेलर्स, यहां आपको मिलेंगे शुद्ध 22 कैरेट के 916 HU ID युक्त होलमार्क स्वर्ण आभूषण, साथ में उपलब्ध है डायमंड के एक्सक्लूसिव कलेक्शंस। विवाह के लिए हो खरीदारी या फिर अपनों को देना हो गिफ्ट तो चले आइए 48 सालों से प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम लखी बाबू दुकान ज्वेलर्स, हेड पोस्ट ऑफिस के विपरीत सिटी रोड आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी GT रोड आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस, ज्योति नगर नियर वेवल पार्क आसनसोल 3। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा, एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में अपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहां मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रीन नाइट का ह्यूज स्टॉक। यहां आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियां और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल घाघरवड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई चेली डंगाल आसनसोल। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जल जमाव वाले क्षेत्रों में डेंगू मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने वाली गप्पी मछली वितरित की गई। आसनसोल मेयर विधान उपाध्याय, उपमेयर वसीमुल हक, MMIC गुदास चटर्जी तथा सैनिटेशन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में गप्पी मछली प्रदान की गई। उपमेयर वसीमुल हक ने कहा कि आसनसोल नगर निगम मुख्यालय से तकरीबन 1.5 लाख गप्पी मछली वितरित किए गए जिन्हें आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थायी जलाशय और जल जमाव वाले क्षेत्र में छोड़ा जाएगा ताकि इससे डेंगू
मच्छरों का लार्वा को नष्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद और 3 लाख ऐसी मछलियों को छोड़ा जाएगा जिससे कि डेंगू पर नकेल कसी जा सके। आज के আমরা এই ডেঙ্গু মশা লার্ভা যেগুলো সেগুলোকে আটকাবার জন্য আমরা গাপ্পি ফিশ আসানসোল পৌর নিগমের 106টা ওয়ার্ডে বিভিন্ন জায়গা যে পার্মানেন্ট জল স্টে করছে জমে থাকে সেজন্য গাপ্পি ফিশ ছাড়ছি। সেই ফার্স্ট ফেজে আজকে আমরা গোটা আসানসোল কর্পোরেশনের এলাকায় 3 লক্ষ মাছ গাপ্পি ফিশগুলো ছেড়েছি এবং সেকেন্ড ফেজে 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে ফির আমরা যেখানে জল জমনা পার্মানেন্ট জল স্টে হচ্ছে সেই জায়গাগুলোতে এবার ফির আমরা সেকেন্ড ফেজে 3 লক্ষ মাছ গাপ্পি ফিশগুলো ছাড়ব। बड़ाकर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की सेवाओं को और बेहतर करने, बिजली के तारों और अन्य उपकरणों के बेहतर रखरखाव की मांग को लेकर पश्चिम बर्धवान जिला कांग्रेस द्वारा बड़ाकर बिजली विभाग कार्यालय के स्टेशन मैनेजर को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके अलावा कुल्टी बड़ाकर आदि क्षेत्र में बाजार इलाकों में अंडरग्राउंड केबल करने और 3 महीने के बजाय हर महीने बिजली का बिल देने की मांग की गई। इस बारे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि 7 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस द्वारा बड़ाकर बिजली विभाग के दफ्तर के स्टेशन मैनेजर को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कई मांगों की तरफ बिजली विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के स्टेशन मैनेजर ने उनकी बात को सुना और बताया कि इनमें से कुछ मांगों को उनके स्तर पर पूरा किया जा सकता है, लेकिन अन्य मांगों के लिए उन्हें अपने उच्च अधिकारियों से बात करनी होगी। आज के प्राय 6-7 दफा दाबी छिलो अपनारा जानें दीर्घ दिन धरे पश्चिमबंगे विद्युत दफ्तर जो भूमिका प्रथम कथा विभिन्न जगह রক্ত সময় যখন তখন লোডশেডিং হচ্ছে, বিদ্যুতের তার পরিবর্তন করো, তার সিস্টেম পরিবর্তনের কোনো লক্ষ্য নেই, দিনের পর দিন বিদ্যুতের মাশুল বাড়াচ্ছে এবং সবচেয়ে যেটা বড় কথা যেটা আমাদের এখন মেন ডিমান্ড এসে দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা বলছি প্রতি মাসের বিল প্রতি মাসে কালেকশান করতে। দেখা যাচ্ছে 3 মাসের বিল একসাথে নিলে তার রেটটা বেড়ে যাচ্ছে। এটা আমাদের একটা প্রধান দাবি, কলকাতাতে হয় কিন্তু বাকি মফস্বল এলাকা বা বাকি জেলাগুলো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে প্রত্যেক মাসের বিল প্রত্যেক মাসে এবং প্রত্যেকটা জায়গাতে। এখানেও দেখবেন কুলটি বাজার এলাকা, মরাকর বাজার এলাকায় দেখবেন ওপেন সব লাইন যাচ্ছে এবং তাতে দুর্ঘটনা বাড়ছে। আমরা চাইছি আন্ডারলাইন কেবিল হোক, যেটা এখন আধুনিক সমস্ত শহরে এসেছে আন্ডারলাইন কেবিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সরকার 1 পয়সা তাতে ইনভেস্ট করছেন না, খালি সাধারণ গরিব মানুষদের কাছে কী করে টাকা তুলে নিয়ে চলে যাব তার চেষ্টায় সচেষ্ট হচ্ছে। তাই আমাদের আজকে কুলটি ব্লক কংগ্রেসের থেকে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं पीएन घाटी, बालाजी फैशन हर घर की पसंद, पुद्दार बैटरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सुधा उद्योग, फर्नीचर वर्ल्ड, श्री जानकी स्टोर, आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ब्लेस हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, ट्रेक एंड ट्राई, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, लकी बाबू दुकान ज्वेलर्स,